सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज इंडिया में सैमसंग ने अपना एक नया स्मार्टफोन जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A10s इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया। यह सैमसंग की तरफ से एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा। आप लोगों को 10,000 के नीचे यह स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और सैमसंग के मुझे एक बात अच्छी लगती है कि किसी को पता नहीं चलता कि भाई सैमसंग का कौन सा स्मार्टफोन आ रहा है मिड रेंज में। जब मन चाहे तब वो लोग अनाउंस यहाँ पर कर देते हैं और किसी को उम्मीद भी नहीं था कि सैमसंग गैलेक्सी A10s आज इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A10s इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इस फोन की प्राइसिंग यहाँ पर सैमसंग ने रखा है। जो 2GB 32GB आता है इसकी 9,500 रुपीज़ और जो 3GB 32GB आता है इसका प्राइस है लगभग 10,500 रुपीज़। और अगर आपको लेने में इंटरेस्ट है तो आप कल से यानी कि कल है 28 अगस्त, तो कल से आप इन दोनों स्मार्टफोन को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फ़ोन में ऐसा कुछ खास मुझे लगा नहीं। सैमसंग गैलेक्सी A10 का ये अपग्रेड वर्सन है और उतना कुछ अपग्रेड आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। एक तो आपको डुअल कैमरा का सेटअप दे रहे हैं, फिंगरप्रिंट का सेंसर दे रहे हैं और ऐसा तो कुछ और देखने में आपको लगा नहीं। हाँ, बैटरी थोड़ा यहाँ पर बढ़ा के 4000mAh की यहाँ पर कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.2 इंचेस का एक HD+TFT डिस्प्ले। तो ना तो आपको फुल HD+ मिल रहा है और ना आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, तो ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। मीडियाटेक का हेलियो P22 वाला चिपसेट मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट में ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन रियलमी के सीटों में मिलता है तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों का ठीक ठाक ही रहेगा। उतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी इस फ़ोन से नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैमरास के, तो इसमें आपको अब मिलेगा डुअल कैमरा का सेटअप 13MP + 2MP का। तो 13MP का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है, F1.8 अपर्चर दिया है, तो ओवरऑल आप एक एवरेज फोटोग्राफी कर सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल फोटोग्राफर है मतलब जो नॉर्मल फोटोज लेते हैं वो आप ले सकते हैं। और 8MP का आपको सेल्फी कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। 4000mAh की आपको बैटरी मिलेगा, नॉर्मल आपको चार्जर मिलने वाला है, माइक्रोSD पोर्ट यहाँ पर मिलेगा। ओवरऑल 10,000 के नीचे मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छा स्मार्टफोन है ऑफलाइन मार्केट को देखते हुए, लेकिन आज के टाइम में भी आपको यार 10,000 के नीचे एक से बढ़कर एक अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि ये स्मार्टफोन अच्छा नहीं है, स्मार्टफोन अच्छा है ऑफलाइन मार्केट को देखते हुए, लेकिन हाँ अगर आप 10,000 रुपया देंगे तो रियलमी का 5 मेरे ख्याल से इससे बेहतर डील होगा। क्योंकि अगर 10,500 रुपया आप देते हैं इस फ़ोन के लिए तो रियलमी का 5 लगभग 10,000 में मिलता है, तो मेरे ख्याल से वो एक बेहतर डील होता है। तो अब आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, जिसमें आपको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट सैमसंग को इस फ़ोन की प्राइसिंग लगभग 8,000 या फिर 7,000 7,500 रखता तो एक अच्छा डील बोलता, लेकिन 10,000 और 9,500 मेरे ख्याल से ओवर प्राइस है और डेफिनेटली जो लोग लेंगे उनको तो ये फ़ोन के लिए सोचना पड़ेगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।